महादेव, आपकी बंडल ऑफ जॉय हाजिर है एक नए ब्लॉग के साथ। मैं हूँ इस वक्त देवघर में, करने आई हूँ महादेव के दर्शन। मेरे छठे ज्योतिर्लिंग बाबा बैद्यनाथ के दर्शन की यात्रा मेरी शुरू होती है IGI एयरपोर्ट दिल्ली से। अपने इस सफ़र को और आसान बनाने के लिए मैंने वेब चेक इन का इस्तेमाल किया। मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप भी लाइन में लगने से बचने के लिए जल्दी सफ़र तय करना हो तो आप वेब चेक इन का प्रयोग करें। पहली बार विशाखा का फायदा हुआ है, टिकट से लेकर रूम्स तक सारी बुकिंग्स वगैरह मैं ही करती थी। विशाखा ने वेब चेक इन किया, आके लगेज टिक और ये बोर्डिंग पासेस वगैरह सब विशाखा ने निकलवाए हैं। हमने तो पास्ट एक्सपीरियंस विशाखा का काम आ गया, पास्ट जॉब एक्सपीरियंस काम आ गया है। लग रही मम्मी अपने छोटे बच्चे के साथ है, मम्मी को लग रही है मम्मी की बेटी की शादी हो चुकी है। भाई हाँ आंटी, मेरी तो शादी हो गई, मेरे को भी याद आया। एक्चुअली जब आप इंडिगो में ट्रैवल कर रहे हो गैजेट्स लेके, तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि पावर बैंक चेक इन में मत डालना। मैंने चेक इन में डाल दिया था, वो तो विशाखा का पास्ट एक्सपीरियंस जॉब एक्सपीरियंस है तो बच गए। और मैंने तुझे कितनी बार बोला था आरू कि पावर बैंक बैटरी आइटम चेक इन में मत डालना, बट स्टिल इन्होंने एयरपोर्ट पे आके डाली ये चीज़। मैंने ड्रोन कैमरा सब कुछ चेक इन में डाल के हैंड बैग खाली किया और हैंड बैग में पावर बैंक डालना भूल गई। से ट्रेवल किया है और 11:20 पे मेरी फ्लाइट थी, यहाँ पर मैं 1 बजे पहुँच गई हूँ और अब यहाँ से हम जा रहे हैं होटल की तरफ। यहाँ पर कैब का सिस्टम समझ नहीं आ रहा है, इंटरसिटी लिखा रहा है और अगर हम ऊबर कर रहे हैं तो वो भी नहीं हो रही है। तो यहाँ पर ना कुछ ई रिक्शा टाइप्स हैं तो उन्होंने पहले हमसे चार्ज किया था 150 और वही बार्गेनिंग करते करते 80 रुपीज़ पर वो भैया आ गए हैं। पर पर्सन की बात कर रही हूँ मैं। तो अभी हम जा रहे हैं, हमारा होटल बुक्ड है, अब सीधा होटल के बाहर ही भैया हमें उतारेंगे। देखते हो YouTube पे मेरा चैनल है, मैं वीडियो बनाती हूँ YouTube पे। हाँ हाँ नहीं सब्सक्राइब कर लेना फिर देखना। तो आप भैया कह रहे हैं उनकी गाड़ी दौड़ रही है, भाग रही है, मेरे को लग रहा है रेंग रही है। होटल जा रहे हैं दिल्ली से, मैंने बुकिंग कर ली थी होटल गिरिजा में और यहाँ के रूम्स में अब आपको दिखा देती हूँ। मुझे मिला है प्रीमियम रूम, 212 मेरा रूम नंबर है और रूम टूर मैं आपको करा देती हूँ। काफ़ी अच्छा स्पेस है रूम का। हम चारों ये प्रेफर कर रहे थे कि हम एक ही रूम में स्टे करें, तो हमें ये वाला रूम मिला है। काफ़ी अच्छा स्पेस है, डबल बेड है, यहाँ पे मैट्रेस भी लग जाएगा, यहाँ पे टीवी भी है और रेडी होने के लिए आपको फुल लेंथ मिरर भी मिल रहा है। तो लड़कियों को मिरर की बहुत प्रॉब्लम होती है हर जगह। यहाँ पे सिटिंग भी है, ये सिटिंग है और यहाँ पे आपकी कुछ चीजें रखी हैं, जैसे कि हम जैसे टी लवर्स के लिए यहाँ पे टी मेकिंग मशीन भी है, पानी वगैरह सब है। काफी अच्छा रूम है, एसी भी लगा हुआ है और वॉशरूम देख लेते हैं। एक्चुअली वॉशरूम की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है सबको हर जगह पर, तो वॉशरूम भी नीट एंड क्लीन है और काफी स्पेशियस भी मुझे लगा। तो ये था रूम टूर होटल गिरिजा सराय। ये पूरी प्रॉपर्टी का मैं आपको टूर करवाऊंगी। इसके चार्जेस है 4500। अगर आप देवघर आ रहे हैं बाबा बैद्यनाथ के दर्शन करने तो आप यहाँ पर स्टे कर सकते हैं। यहाँ का स्टे मुझे काफी कंफर्टेबल और स्टाफ तो बहुत ही प्यारा स्टाफ है, यहाँ पर आप स्टे कर सकते हैं। इस होटल की सारी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर आके स्टे कर सकते हैं। टेरेस पर भी जाएंगे, ड्रोन शॉट्स भी लेके, काफी मजेदार होने वाला है ये व्लॉग। मेक श्योर आप ये व्लॉग एंड तक जरूर देखें। मदर डॉटर डुओ हमारा रहता है और हम लोग ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने आते हैं। मैं पहुंच गई हूँ देवघर, आपने देख ही लिया होगा कि कैसे दिल्ली से देवघर का मेरा ट्रैवलिंग रहा है। सारी डिटेल्स मैं आपको साथ के साथ देती आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे ब्लॉग्स पसंद आते हैं और आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं दे पाती हूँ। आप कर रहे हैं वर्चुअल यात्रा अपनी बंडल ऑफ जॉय के साथ।
तो भी सर ने मुझे बता दिया यहाँ पे आसपास घूमने की जो भी जगह है, और सर से भी हम खूब सारी बातें करने वाले हैं। सर यहाँ पे आसपास क्या क्या जगह है घूमने की? अभी जो है अभी तो बाबा बैद्यनाथ जी का मंदिर है जो कि बहुत सारे लोग दूर दूर से आते हैं इनका पूजा करने के लिए। और इसके बाद यहाँ पे एक नौलखा टेम्पल है जो श्री कृष्ण भगवान का सबसे पुराना टेम्पल है और बहुत ही अच्छा है और बहुत लोग आते हैं। फिर इसके बाद नंदन पहाड़ है, नंदन पहाड़ भी आप बहुत अच्छा है, पहाड़ की ऊंचाई पे है, अच्छे पार्क हैं, देर इज ऑल्सो लॉट्स ऑफ टेम्पल, तो आप वहाँ भी पूजा कर सकते हैं। इसके बाद फिर जो है सत्संग है। अच्छा। हाँ सत्संग है यहाँ पे, बहुत ही फेमस है सत्संग के लिए, तो बहुत सारे आपको पता ही है कितना लोग आते हैं, तभी बहुत क्राउड है आज और कल का। हाँ बहुत ही आई थिंक हमें लग रहा है कि कोई जन्मदिन है सत्संग बाबा का। अच्छा। तो बहुत सारे लोग आए हुए हैं। अच्छा। तो आप तो मतलब ये सत्संग होता रहता है या हाँ, फिर अभी होते रहता है और ओकेजनली अच्छा। भी होता है, देर इज लॉट्स ऑफ स्पेस टू स्टे ओवर देयर ऑल्सो। तो सत्संग मेन मंदिर में ही होता है? नहीं नहीं सत्संग अलग है। अच्छा ठीक है, अलग जगह पे यहीं पर है ओनली। हाँ आश्रम है, 1 से 1.5 किलोमीटर दूरी पे है। फिर आपको जो है यहाँ नंदन ये त्रिकुट पहाड़ है जो कि वो भी काफ़ी फेमस है, जहाँ पे कि एक अच्छा सा पत्थर है जिसके अंदर आदमी घुस के निकलता है, बोलता है कि जितने भी कष्ट हैं सब दूर हो जाएंगे, देर जो रोप वे ऑल्सो। और सीता जी का जो जब रावण ने अब हरण करके ले जा रहा था उनका जो कंगन चूड़ी वगैरह भी वहाँ पे गिरा हुआ है जो कि अभी तक है। अरे वाह। ठीक है, और यहाँ पे तपोवन भी पहाड़ है जो मेघनाथ ने यज्ञ कर रहा था तो हनुमान जी ने पहाड़ फाड़ के गए थे, तो वो पहाड़ भी है जो कि नीचे से घुस के जाना पड़ता है। मतलब मुझे तो ना सुन के ही इतना ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि ये सारी जगह मैं जल्दी से एक्सप्लोर करूँ, और ऐसा लग रहा है मुझे मेरी विजिट ना सक्सेसफुल हो गई है। बहुत 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 अच्छा होगा। और आप अभी यहाँ से बासुकीनाथ भी जाएंगे जो भी, वो भी लॉर्ड शिवा जी का मंदिर है। अच्छा। जो यहाँ के लोग सभी लोग बोलते हैं कि दैट वन इज ए सिविल कोर्ट और ये हाई कोर्ट हैं, तो वहाँ ज़रूर आप जाएंगे। ठीक है, यहाँ से 45 किलोमीटर्स है। अच्छा। हाँ तो ये जो सर सारा अरेंजमेंट है वो आप अरेंज करवा सकते हैं अगर कोई मतलब विजिट कर रहा है आपके हाँ, पास हाँ, स्टे मैं, कर रहा है? मैं अरेंज करवा दूंगा, मैं आपको गाड़ी प्रोवाइड करा दूंगा, वो गाड़ी वाले आपको पूरा घुमा देंगे। ठीक है, सब जगह ले जाके आपको पूरा होल डे लगेगा, यहाँ पूजा करने के बाद जलाभिषेक करने के बाद। अच्छा। फिर आप जो है वहाँ जा सकते हैं। तो मतलब सर ने आपका जो ट्रिप है वो और भी कंफर्टेबल कर दिया है कि वो आपको अरेंजमेंट्स भी करा के दे देंगे, स्टे तो दे ही रहे हैं वो आपको इतना कंफर्टेबल, अब आपके ट्रिप भी वो प्लान करवा देंगे। तो प्लान करके बताना सर, अपने आप प्लान करा देंगे, वो सब बहुत अच्छे से मैनेज हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है ठीक है, तो अभी हम चलते हैं सर। थैंक यू सो मच, मैं आपसे आके मिलती हूँ दर्शन करके। चलिए तो हर बार की तरह आप कर रहे हैं शिखर के दर्शन। आपको हर ब्लॉग में मैं बताती हूँ शिखर के दर्शन का महत्व क्या होता है, और अब देखो शाम का टाइम है, आप करो शिखर दर्शन बाबा बैद्यनाथ के। तो दर्शन अगर आराम से हो जाए तो वो दर्शन लगते हैं क्या? अब दिल्ली से यहाँ तक आए या थोड़ा कष्ट तो उठाना ही पड़ेगा, इतनी आसानी से बाबा के दर्शन तो नहीं हो पाएंगे। तो अभी जो फर्स्ट कट होता है वहाँ पे वो कट बंद था, तो अभी बहुत ज़्यादा घूम के हमें जाना पड़ रहा है। मंदिर बंद होने वाला है, मंदिर बंद होने वाला है क्या? अरे आंटी सुन तो लो, आंटी सुन लो, साइड बाव मंदिर बंद होने वाला है क्या? तो मतलब अगर कोई झारखंड से बिलोंग करता है या देवघर से बिलोंग करता है तो प्लीज़ बताना, यहाँ पे लोग सीधे मुँह बात नहीं करते क्या? एक कट बंद होने की वजह से भी सारा नीचे से वॉक करके आए, अब उतना ही डिस्टेंस हमें ऊपर से जाना पड़ेगा, और ऊपर इस तरीके से रास्ता बनाया रेलिंग्स वगैरह। देवघर पड़ता है आपका झारखंड में, झारखंड में है आपके बाबा बैद्यनाथ विराजमान। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है बाबा बैद्यनाथ, पर आपकी बंडल ऑफ जॉय आ गई है भाग भाग के दर्शन करने। चलो भाई चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पर आप ये देखो ना, आपको दर्शन करने का मौका मिल रहा है, तो खुश नसीब हो आप या नहीं? बिल्कुल, इतनी बढ़िया बेटी है आपकी, आपको धक्के मार मार के ले ही आती हैं। साइड बम बोल बम बम बम। हाँ अभी हम हाफ वे भी नहीं आए हैं,
साड़ी में चलना नहीं आता, साड़ी की हालत ये हो चुकी है। मैंने बोला था बहुत अच्छे से तैयार हो क्या है, पर लुक साइड हमने कभी, हम तो साड़ी में वॉक करने की नहीं सोचते, तो हम आज भागे भाग रहे हैं, हम लिटरली वी आर रनिंग इट। फाइनली मंदिर में हो चुकी है एंट्री, इतना भाग दौड़ करने के बाद। मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा कर रखा है वैसे तो, अभी भीड़ नहीं है तो इसलिए पता नहीं चल रहा है, अदरवाइज अगर बहुत भीड़ होती होगी तो कैसे मैनेज किया जाता हो। और इतना वॉक करने के बाद अब हमें मेन मंदिर दिखना शुरू हो गया है। इस ज्योतिर्लिंग की खास बात, बहुत सारी अनोखी अनोखी कहानियाँ हैं, सारी कहानी में बात करेंगे। अभी पहले कर लेते हैं दर्शन, वरना कपाट बंद हो जाएंगे और इतनी दूर आने के बाद दर्शन नहीं हो पाएंगे। बाबा बैद्यनाथ के दर्शन, और यहाँ पर शिखर से शिखर मिलते हैं। माता पार्वती का मंदिर है, ये है 51 शक्तिपीठ में से एक मंदिर। यहाँ पर माता सती का हृदय गिरा था, और अभी हम बैद्यनाथ भगवान के दर्शन करके आए, और अभी हम जा रहे हैं माता पार्वती के दर्शन करने। अभी अच्छे से हमने किए हैं अंदर के लाइव दर्शन बाबा बैद्यनाथ के, और अभी हमें पंडित जी बताएंगे कि यहाँ की जो पुरानी पौराणिक कथा है वो क्या है, यहाँ की मान्यता क्यों है। ये बाबा बैद्यनाथ कामला लिंग है, एकदम तू कामला लिंगम सब काम फल पदम, यहाँ शिव शक्ति दोनों है, यहाँ हृदय में ही शंकर जी मेरे अंदर में विराजमान है। हर ज्योतिर्लिंग में है ना, बारह ज्योतिर्लिंग में यह सबसे है, यहाँ शिव और शक्ति है, और ये कामला लिंग बैद्यनाथ है, जो मन की कामना ये पूर्ण करते हैं। यहाँ तब इतने भक्त सारे लोग, जो बम लोग देख रहे हैं आप, 105 किलोमीटर दूर में पैदल कांवर लेके आते हैं बाबा का यात्रा में, और वे भी रस बहुत सारे यहाँ रस रहते हैं, बारह में रस रहते हैं, बाबा को जलाभिषेक करने के लिए आते हैं, और जो आपके मन में जो कामना ये पूर्ण करते हैं। और जब बाबा का खासियत यही है, हर जगह देखते हैं त्रिशूल, यहाँ बाबा का त्रिशूल देखेंगे, पंच त्रिशूल है ऊपर में, बाबा का चंद्रमणि ऊपर में है, और ऊपर में बाबा का त्रिशूल है, पंच त्रिशूल। ये ओम पूर्वोत्तर ध्वज धनिकानी धानी सदा वसंतम गिरिजा समेतम सुरा सुराराधिपाधिपम श्री वैजनाथम तब हम नमामि। यहाँ पंचत्रिशूल का यही माने है बाबा का, शिव और शक्ति है। और जब रावण ने लंका लेने की इच्छा में थे बाबा को, बाबा बोले रावण को वचन दिए थे, तो रावण ने बोला हम आपको ले चलेंगे लंका, तो बाबा बोले ठीक है रावण मैं लंका आपके साथ चलूँगा, लेकिन बीच में बाबा को लघु शंका। देखो ये बाबा का मुकुट है सिंगार का, देखो ये बाबा का, ये सिंगार का मुकुट का बाबा का है, ये सिंगार जब चलता है बाबा का मुकुट में, ये डेली प्रतिदिन आता है, ये जेल से आता है, ये कैदी लोग बनाते हैं। अच्छा, ये सिंगार में ये जो अभी बाबा का जो मुकुट जो देखे जो ले कर बम भोले का के, और जो मुकुट बन के आते हैं ये कैदी बनाते हैं। यहाँ आपने ऐसा कभी कहीं सुना और देखा नहीं होगा, ये बहुत ही अनोखी चीज है। हाँ, ये सिर्फ यहीं होता और कहीं होते नहीं, ये बाबा लगे ये कैदी बनाते हैं, वही बाबा का ही मुकुट चलेंगे, सिंगार होंगे बाबा कैसी। और वो जो लघु शंका लगी थी, इसे सुना है कि यहीं पे एक तालाब भी है। हाँ, ऐसा भी आगे में यहाँ पर एक रमणा शिव गंगा है। अच्छा। जहाँ तालाब है वहाँ पर सब कोई बम्बलो जाती वहाँ स्नान करके बाबा को जलार्पण करते। अच्छा, वे रावण ने अपने मुष्टिका से ये थे तो वहाँ पर शिवंगा का जला हुआ था, तो वही नहाने का मात है, रावण ने फर्स्ट वहीं पर स्नान किए थे। अच्छा, और वो लघु शंका वाला भी मैंने सुना तालाब बना हुआ है। हाँ, लघु शंका वाले जो है ना, वो यहाँ से हल्ला जोड़ी जगह है, यहाँ से आप दूर है। हाँ, यहाँ से आपको 4 किलोमीटर दूर में है।
अच्छा, हलाल जो वहाँ पर हमारा खा के। तो कहते हैं कि उस तालाब में मतलब देखना भी नहीं चाहिए उसे या फिर उसे छूना नहीं चाहिए? नहीं, उस तालाब में जो स्नान करते हैं ना, हाँ? तो उसको बहुत सारे को खुजली उजली होते हैं तो वहाँ वहाँ स्नान करने से तो छूट जाते हैं। अच्छा, नियम यहाँ का है। मतलब मैंने तो कुछ और सुना था पर अभी पंडित जी कुछ और बता रहे हैं। तो अगर कोड वोड है किसी को या कोई एलर्जी है, स्किन प्रॉब्लम है, तो आप वहाँ जाके स्नान कर सकते हो, वो ठीक हो जाएगा, मतलब ऐसा आपने बताया। अच्छा अच्छा ठीक है। तो ये एक अनोखा ज्योतिर्लिंग है और एक ही ज्योतिर्लिंग है बारह में से जहाँ पर शिव और शक्ति साथ में विराजमान है। जैसे हम पूजा करते हैं, जैसे शिवलिंग और पार्वती माता को ऐसे कलावा बांधते हैं ना जब हम पूजा करते हैं मंडे को, तो यहाँ पे शिखर से शिखर ऐसे बनता है, गठबंधन बोलते हैं ना इसको। हाँ, ये यही ज्योतिर्लिंग है और यहाँ इस पर छूने का ही महत्व है। हर ज्योति में छूने का दर्शन, यहाँ बाबा के अपने हाथ से छूने का ही महत्व यहाँ है, इस पर का ही महत्व है। अच्छा, ये मेरा छठा ज्योतिर्लिंग है। अच्छा। तो यहाँ अभी हमने किसी भी ज्योतिर्लिंग को ऐसे स्पर्श करके दर्शन नहीं किया, किया है? किसको, कौन से वाले ज्योतिर्लिंग को? ओंकारेश्वर में स्पर्श करने के लिए बोला जाता है, मतलब पंडित जी खुद ही बोले थे स्पर्श करो। नाम मैं जान सकती? मेरा नाम विकास बाबा हुआ। अच्छा, तो इन्होंने हमें बहुत अच्छे से दर्शन कराए हैं, मतलब हमें अंदर से प्रसाद भी दिलवाया, बेलपत्र भी लिए, हमने स्पर्श करके दर्शन किए, बहुत बहुत अच्छे से। आप देख ही चुके हैं, पूरा पूरा वीडियो आपने देखा तो आपको पता ही है कैसे दर्शन हुआ है। तो अगली बार जब आप यहाँ पर विजिट करेंगे दर्शन करने के लिए बाबा के, तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते, सीधा डिस्क्रिप्शन में नंबर मेंशन कर दूंगी, आप अपना नंबर आप खुद भी बता दीजिए। 4508373। और इस मंदिर के अंदर मैंने एक बहुत ही यूनिक सी चीज़ एक्सपीरियंस की है, मुझे नहीं पता आप लोग विश्वास करोगे या नहीं, बट मेरे सारे गैजेट्स बहुत अच्छे से काम कर रहे थे। जैसे ही मैंने वीडियो बनाने के लिए ड्रोन को फ्लाई किया तो जो मेरा ड्रोन था वो शेक कर रहा था, तो ड्रोन शॉट्स मैं इस वाली वीडियो में अच्छे से नहीं डाल पाई हूँ क्योंकि सारी वीडियोज़ बहुत शेकिंग सी थी, बहुत मुश्किल से मैंने क्लिप्स निकाली हैं। और ड्रोन शॉट्स दोबारा लेने के लिए मैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग में दोबारा से मंदिर आई और दर्शन करने के लिए, पर स्टिल वही प्रॉब्लम आ रही थी। और मंदिर में जब मैंने नेक्स्ट मॉर्निंग एंट्री की तो मेरा गोप्रो भी एकदम से बंद हो गया, उसने काम करना बंद कर दिया, बहुत मुश्किल से वो ऑन हुआ। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ज्योतिर्लिंग जो है वो बहुत ही पावरफुल होते हैं और यहाँ की एनर्जीज इतनी स्ट्रांग होती हैं कि आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। ये चीज़ मैंने एक्चुअल में एक्सपीरियंस की है तो मैं इसलिए आपको बता पा रही हूँ। महादेव की कृपा के बिना इस संसार में कुछ भी नहीं हो सकता। साड़ी में चलना बिल्कुल आसान बात नहीं है भाई, आज तो मैं भागी हूँ। ये होटल गिरिराज जो है वो वॉकिंग डिस्टेंस पे है, 2 मिनट्स का वॉक है मंदिर के लिए और बहुत ही कंफर्टेबल स्टे है। साथ के साथ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एक्सपीरियंस करती जा रही हूँ तो बताती जा रही हूँ साथ साथ। हाँ जी हाँ जी, दर्शन हो गए बहुत बढ़िया से। वैसे भीड़ रहती है ना काफी, आज कम लगी मेरे को भीड़, कम है, मतलब कम है ना, बाबा बैजनाथ के दरबार है। सोमवार को ज्यादा रहती होगी? सोमवार को उस दिन ज्यादा था सर, ठीक है। और ये जो कैसे कराई है? हां सर ठीक है। ये जी जी, इतने कावड़िया देखने को मिल रहे हैं अभी तो, जैसे सावन तो खत्म हो गया है, सावन जैसे खत्म हो गया ना, और अभी क्या आज से भादा हो गया कुछ। अच्छा, कल तक जो था बाबा का स्पर्श नहीं था, आज से बाबा का स्पर्श पूजा होने लगा। तो यहाँ का है कि बाबा के जब तक स्पर्श पूजा उनको नहीं छूते हैं तो भक्त लोगों को शांति नहीं मिलती है। तो बाबा को छू लिए तो मन में शांति, बड़ा आनंद उत्साह आता है कि बाबा भोले बैजनाथ हमको दर्शन दे दिए, मतलब इसीलिए स्पर्श का बहुत स्पर्श। और एक चीज गौर कीजिएगा मैम साहब, जब बाबा का स्पर्श कीजिएगा एक अंदर से बहुत शक्ति और बहुत आनंद आएगा, मतलब हाँ, एक चीज गौर कीजिएगा, मतलब शांति मिल गई, मतलब। और आप तो बहुत ही लकी हो, हम तो इतनी दूर से आए हैं, तो आप कितने कितने दिन में दर्शन करने जाते हैं? हम तो बाबा के बगल में ही है और डेली हम बाबा के दरबार में जाते हैं। बाबा बैजनाथ से हम ये कहते हैं, बाबा बैजनाथ जितने भी यहाँ भक्त आवे सबकी मनोकामना को पूर्ण करें, सबके दुख दूर को करें और पीछे और साथ साथ मेरा भी दुख दूर करें, बाबा बैजनाथ यही कामना करते हैं बाबा बैजनाथ से। अरे वाह, क्योंकि हम ये बहुत अच्छी बात है। मैं ना पूरे रास्ते देख रही हूँ कावड़िया दिख रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ उनसे पूछूं क्योंकि वो ना मौका भी नहीं दे रहे बोलने का, वो इतने भाग रहे थे एकदम सब। तो अब आपने मुझे बताया कि वो कावड़िया क्यों है, और हम लोग आए हुए
और हम लोग भी शिक्षित हैं, लेकिन बाबा बैजनाथ हम लोगों को ध्यान नहीं दिए हैं, इसीलिए थोड़ा सा चलिए बाबा बैजनाथ, लेकिन उनका दर्शन हो जाता है तो अपार खुशी हो जाता है। देखिए कर्म करना बहुत जरूरी है, कर्म कर रहे हैं ना तो सफलता। बाबा बैजनाथ जब उन्हें दर्शन दे देते हैं लेकिन जरूर भी हमको दर्शन खुले देंगे, मतलब हमको विश्वास है। बहुत अच्छा लगा मुझे, आपने इतनी नई और बहुत अच्छी बात बताई, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, हर हर महादेव, जय बाबा बैजनाथ, जय बाबा बैजनाथ, बोल बम बोल बोल बम। ऐसा लग रहा है ठंडी ठंडी हवा जा रही है, मौसम अभी अच्छा होता जा रहा है, अभी तक ऐसा लग रहा था जल्दी से अंदर भागो, नहाओ, खाना भी छोड़ो, मतलब बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग सा हो गया था, बट अभी थोड़ा नॉर्मल हो गया है। इतना ओपन सा है ना इस वाले होटल के बाहर, तो काफ़ी अच्छा लग रहा, और ना ये जो पैसेज बनाया हुआ है ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। हो गए हैं दर्शन अभी बाबा बैद्यनाथ के, इतनी दूर आने के बाद इतने खुले दर्शन, और आपने लाइव दर्शन किए हैं, स्पर्श दर्शन मैंने आपको कराए हैं, आपकी बंडल ऑफ जॉय आपको ज्योतिर्लिंग के दर्शन इतने प्यार से कराती है, फिर भी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर नहीं करते हो, ये तो बहुत ही गलत बात है मेरे साथ। तो आज का दिन मेरा बहुत अच्छा गया, मुझे बहुत मज़ा आया, और जो जो मैंने सोचा था उससे बहुत ही ज़्यादा बेटर हुआ है। अभी हम जाके रेस्ट वेस्ट करेंगे, खाना वाना खाएंगे और सो जाएंगे, सुबह मैं आपसे फिर से मिलती हूँ, तो मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए हर हर महादेव। नमस्ते सर जी, नमस्ते। हाँ शूटिंग हो गई, बहुत बढ़िया, मज़ा आया।